फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ एंड जीके। सो फ्रेंड्स, ऑन दिस चैनल वी डिस्कस द कंटेंट्स ऑफ लॉ एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ जुडिशियल सर्विसेज एंड अदर लीगल एग्जाम्स। एंड एट प्रेजेंट वी आर डूइंग दी सीरीज फॉर यूजीसी नेट लॉ पेपर्स। सो फ्रेंड्स, इन टुडेस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द यूजीसी नेट लॉ एग्जाम पेपर 3 ऑफ सेप्टेम्बर 2016। एक्चुअली 2016 में जुलाई में एग्जाम हुआ, फिर उसको रिकंडक्ट किया गया था अगस्त में। इसका जो रिजल्ट आया था सेप्टेम्बर में। तो हम ये जो अगस्त सितंबर वाला एग्जाम पेपर है, पेपर 3, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई वुड लाइक टू रिकमेंड कि आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर प्रिपरेशन फॉर जुडिशरी एंड अदर लीगल एग्जाम्स। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगे तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें बताएं कि उन्हें यहाँ सारे पेपर डिस्कशन के साथ मिल जाएंगे, और उन्हें ये भी आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेडली आते हैं और आ सकते हैं, और इससे आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में हेल्प होगी। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम पेपर की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, और देखिए इसमें अजर्शन है, बाय अमेंडमेंट द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज करेक्ट। द पावर टू अमेंड डज नॉट इंक्लूड द पावर टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी करेक्ट, और इसे करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर क्या रहेगा इसका, 1। अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज कैन बी डन बाय आर्टिकल 368, वहीं पर पावर है। लेकिन आप अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते। कौन से केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को प्रिपाउंड किया गया था, दैट वॉज केशवानंद भारती केस। कौन सा ये था आप बताइए जरा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट है 2, स्पेशल ब्रांच ऑफ सुप्रीम कोर्ट यूनैनिमसली ऑब्जर्व दैट इवन पिटीशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 32 आर सब्जेक्ट टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इन वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो कौन सा केस था ये, इट वॉज एस पी गुप्ता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट है 3, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट टू क्रिएट द कॉन्टिनजेंसी फंड ऑफ इंडिया और द कॉन्टिनजेंसी फंड ऑफ द स्टेट। तो कौन से आर्टिकल में ये है, आर्टिकल 267। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4-3 ओनली, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन केस ऑफ बिल अदर देन मनी बिल द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन वीटो द बिल, नो। कैन नॉट वीटो द बिल, वीटो तो की पावर तो है ही नहीं लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। रिक्वेस्ट ज्वाइंट सेशन, नो। सेंड द फाइल, ये यहाँ पर फाइल है, ये फाइल बैक फॉर रिकंसिडरेशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4। और ये आर्टिकल कौन सा, ये है आर्टिकल 97 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है 5, इन केस ऑफ इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट एंड लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग शैल प्रिवेल। तो ऑब्वियसली पार्लियामेंट, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट आइदर बिफोर और आफ्टर द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो 4 इसका आंसर रहेगा। और ये प्रोविजन कहाँ पर मैंशन किया गया, ये मैंशन किया गया आर्टिकल 251 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म लॉ इंक्लूड्स एवरी ब्रांच ऑफ लॉ, येट देर इज डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेड बाय द एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर्स एंड हेंस एन अमेंडमेंट इज नॉट कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ लॉ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 13(2) and 3। तो ये कौन से केस में बोला गया था, ये बोला गया था शंकरी प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, 2 इज द आंसर। और ये केस कब आया था, 1951 में। फिर ये जो सज्जन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान है, ये केस कब आया था, 1964 में डिसाइड हुआ था। गोरखनाथ केस कब डिसाइड हुआ था, 1967 में। मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1978। क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो मेन केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर, इनको तो याद करना ही करना है। नेक्स्ट है 7, मैच करना है इसमें, केसेस लिखे हुए हैं। तो राजेश गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी रिजर्वेशन टू विमेन पर है ये। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेज लक्ष्मा देवी एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी, डेथ सेंटेंस बाय पब्लिक हैंगिंग, उसको बैन किया गया था लक्ष्मा देवी वाले केस से। अविनाश मेहरोत्रा राइट टू सेफ एजुकेशन, और विशाल जीत सिंह ट्रैफिकिंग पे था केस, ये ट्रैफिक ऑफ ह्यूमन बींग इंक्लूड्स देवदासीज। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, 1, 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट है 8, अब फिर से मैच करना है केसेस को। एसी जोस वर्सेस सिवान पिल्लई किस पर है ये, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन फॉर कास्टिंग वोट्स। एसएस धनोवा पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं, ये इलेक्शन कमीशन है, ये पावर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, फिर दिग्विजय मोटे वर्सेस
यूनियन ऑफ इंडिया, जैसे दिग्विजय मोरे है ये शायद, तो इसका है पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शन ऑन द अकाउंट ऑफ डिस्टर्ब कंडीशंस। फिर PUCL वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया किस पर है, ये प्रोविजन ऑफ नोटा, ठीक है। तो क्या बन गया इसका 3142, वन इज द आंसर। नेक्स्ट 9 assertion है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ लॉ बट इट इज नॉट लॉ इन द लॉयर सेंस ऑफ द टर्म लाइक प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट लॉ। बिल्कुल ठीक कहा गया है ये। इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स एंड स्टैट्यूट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों ठीक हैं और दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, वन इज द आंसर। 10 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी वाज अप्लाइड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो कौन सा केस था ये, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेज डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी में और अशोक कुमार यादव वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा में, ठीक है। ICAI और ये जो अमरनाथ चौधरी ब्रैथवेट वाला केस है इसमें अप्लाई नहीं किया गया था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए एंड बी ओनली, वन इज द आंसर। नेक्स्ट 11, इन विच द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेड रेफरेंस टू लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन टू रिव्यू द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, ये केस था स्टेट ऑफ केरला वर्सेज KG माधवन पिल्लई, टू इज द आंसर। नेक्स्ट 12, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लोकायुक्त अंडर लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। अब ये देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक तो लोकपाल है एक लोकायुक्त है, तो इनके जो प्रोविजंस हैं वो आगे पीछे हैं, पहले लोकपाल के प्रोविजंस हैं फिर लोकायुक्त के प्रोविजंस हैं, तो ये देखिए आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो हाफ पार्ट है वो लोकपाल का है और जो हाफ पार्ट है वो लोकायुक्त का है, ठीक है ना। तो एवरी स्टेट शैल एस्टैब्लिश लोकायुक्त बाय द लॉ ऑफ लेजिस्लेचर इफ नॉट एस्टैब्लिश अर्लियर विद इन वन ईयर ऑन डेट ऑफ कमेंसमेंट, इसका आंसर क्या रहेगा, 2, शैल एस्टैब्लिश लोकायुक्त स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया गया है, फिर स्टेट ऑलरेडी हैविंग लोकायुक्त शैल अमेंड, ये भी नहीं किया गया है, नीड नॉट टू तो है ही नहीं, तो 2 इसका, तो 2 इसका आंसर है। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है 63 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट। नेक्स्ट 13, इन विच द फॉलोइंग केसेस लोकपाल हैज ज्यूरिडिक्शन टू कंडक्ट इंक्वायरी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे भी है, CND पब्लिक सर्वेंट्स पर भी है, एम्प्लॉय ऑफ द बोर्ड कॉर्पोरेशन है, यस, एवरी ऑफिसर ऑफ सोसाइटी एसोसिएशन ट्रस्ट होली पार्ट, यस, तो ऑल आर करेक्ट, तो इसका आंसर क्या रहेगा, 4 ABCD, और ये प्रोविजन कहाँ मेंशन किया गया सेक्शन 14 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट 14, अब बताना इसमें करेक्ट, तो इसमें देखिए ये कहता है रिट अमेंडमेंट एज वेल एज रिट ऑफ सर्चरी इज अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एज वेल एज जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, ये करेक्ट है। फिर बी, द रिट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट्स वेयर द अथॉरिटी डिक्लाइंस ज्यूरिसडिक्शन, वेयर एज रिट ऑफ सर्चरी एक्ट्स वेयर द कोर्ट एंड ट्राइब्यूनल एक्सीड्स देयर ज्यूरिसडिक्शन, ये करेक्ट है। फिर रिट ऑफ अमेंडमेंट कंपेल्स वेयर एज द रिट ऑफ सर्चरी करेक्ट्स, ये भी ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट, 4 इज द आंसर। नेक्स्ट 15, अब मैच करने हैं, तो एक कृपा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में कौन सा रूल अप्लाई किया गया था, रूल ऑफ पर्सनल बायस, गुलपल्ली नागेश्वर राव में रूल ऑफ ऑफिशियल बायस जो है इसको बताया गया था, फिर स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेज बिना पानी देवी रूल ऑफ हेयरिंग, महापात्र एंड कंपनी वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा रूल ऑफ पेक्यूनरी बायस, तो क्या बन गया इसका, 3241, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ पनिशमेंट स्टडीज द साइकोलॉजी ऑफ द क्रिमिनल एंड टेक्स द पनिशमेंट एज सोशल एंड, दैट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 17, द मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हाई देयर टू बीन अ मूवमेंट फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, किसने दिया स्टेटमेंट ये, हेनरी मेन ने, तो 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 18, डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एंड लेजिस्लेटिव क्रिएटिविटी हैज बीन दैट द क्रिएटिव पावर ऑफ द कोर्ट इज लिमिटेड बाय द एग्जिस्टिंग लीगल मटीरियल एट देयर कमांड, दे फाइंड मटीरियल एंड शेप इट, द लेजिस्लेचर मे मैन्युफैक्चर एंटायरली न्यू मटीरियल, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ एलन, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 19, अब मैच करना है, स्टेटमेंट है काइंड ऑफ पोजेशन से, तो प्रिंसिपल डिपॉजिट गुड्स विद एन एजेंट, तो कौन सा पोजेशन होगा ये, इमीडिएट पोजेशन, ठीक है। बायर परचेजिंग ए बुक फ्रॉम द शॉपकीपर, दैट इज इमीडिएट पोजेशन। ओनर लूजिंग इज वॉच, कॉरपोरियल पोजेशन। ऑथर्स कॉपीराइट इन कॉरपोरियल, ठीक है ना, तो क्या बन गया इसका, 2, 4,
3 इज द आंसर. नेक्स्ट 20 assertion है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ एन ओनर इज द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स. बिल्कुल ठीक है ये. द ओनर मे ग्रांट टू अनदर मैनी ऑफ हिज राइट्स एंड येट रिमेन ओनर. ये भी ठीक है, बट क्या इसकी डेफिनेशन बनी है, रीजन बना इसका? नो, रीजन नहीं है, दोनों ठीक है, तो आंसर रहेगा 2. नेक्स्ट 21, अब राइट नॉट टू बी हार्म्ड, व्हाट टाइप ऑफ राइट इज दैट? दिस इज अ नेगेटिव राइट, भाई आपने नहीं करना, ठीक है ना. राइट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉडीली हार्म, ये आपका पर्सनल राइट है. राइट टू रिकवर डेट, तो राइट टू रिकवर डेट क्या है? राइट इन पर्सोनल, पर्सोनम होना चाहिए. फिर राइट टू रिकवर डेट बार्ड बाय लैप्स ऑफ टाइम, ये तो इम्परफेक्ट राइट हो गया ना, परफेक्ट राइट नहीं है. तो क्या बन गया इसका? 4, 3, 2, 1 आंसर क्या हो गया? 2. नेक्स्ट 22 असर्शन है, ऑस्टिन सेड दैट ओनली द लॉ सेट बाय सॉवरेन टू द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल सोसाइटी आर पॉजिटिव लॉ एंड लॉ सिंपली और एंड स्ट्रिक्टली सो कॉल्ड. इसका रीजन है, इन दिस थीम ऑफ एक्सप्लेनिंग लॉज ऑस्टिन अटैच्ड इंपॉर्टेंस टू द एलिमेंट ऑफ सैंक्शन. तो ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गई, आंसर क्या रहेगा? 1. नेक्स्ट 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली कन्वेज फुलर्स थ्योरी ऑफ इनर मोरालिटी. देखिए यहाँ पे बता भी दिया कि फुलर की थ्योरी कौन सी है, इनर मोरालिटी ऑफ लॉ, ठीक है ना. तो क्या कहता है? द कंटेंट्स ऑफ एवरी लॉ इन ऑर्डर टू बी वैलिड मस्ट बी मिनिमम मॉरल स्टैंडर्ड्स, मस्ट बी ऑफ ए मिनिमम मॉरल स्टैंडर्ड्स. तो आंसर क्या रहेगा इसका? 1. नेक्स्ट 24 मैच करना है अब. तो पर्सनल ट्रैवलिंग इन ब्रिटिश एयरवेज एट दिल्ली, ज्यूरिडिक्शन कौन सा रहेगा? कंट्री हैविंग इट्स एडमिरल्टी ज्यूरिडिक्शन. फिर इंडियन ट्रैवलिंग इन एयर इंडिया एट पाकिस्तान, तो ये कौन सा हो गया? इंडिया हैविंग इट्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन. फिर ए सोवरेन रिप्रेजेंटिंग एन अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट, ये क्या है? इम्यूनिटी बाय वर्च्यू ऑफ कन्वेंशन. ए मैन वाइल इन वॉयज विद हिज इंडियन वाइफ, इंडिया ज्यूरिडिक्शन रहेगा प्रोवाइडेड ही इज एन इंडियन नेशनल, ठीक है. क्योंकि यहाँ ये लिखा ना, ये इंडियन मैन है या नहीं है. तो आंसर क्या बन गया? ए बी डी सी. तो 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 25, इन विच द फॉलोइंग जुडिशियल कम्यूटेशन बिकम्स एन इम्पॉसिबिलिटी. तो इसका आंसर देगा 3, गैंग रेप फॉलोड बाय होमिसाइड. नेक्स्ट 26, द क्रिमिनल लायबिलिटी कैन बी फिक्स फॉर मिसरिप्रेजेंटेशन एज पर सेक्शन 90 आईपीसी इज असर्टेन व्हेन द कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड विच प्रिवेंट्स एक्सरसाइज ऑफ विल. तो 1 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स डू नॉट रिलेट टू इंस्टिगेशन. तो ये है काउंसलिंग टू कंसोल. 2 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 28 असर्शन है, ए रॉयट इज सिंपली एन अनलॉफुल असेंबली इन पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, ये यूज ऑफ 4 डिस्टिंग्विश्ड रॉयट्स फ्रॉम अनलॉफुल असेंबली. बिल्कुल ठीक है ये. अगर देखिए सिर्फ इतना लिखा होता ना तो ये हो जाता गलत, लेकिन ये लिखा हुआ ना इन पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एक्टिविटी, यहाँ पर एक्टिविटी की बात कर दी ना, मतलब यूज ऑफ फोर्स की बात कर दी है. यहाँ पर देखिए इसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, फिर तो आंसर क्या रहेगा इसका? 1. और रॉयल्टी के प्रोविजन कहाँ पर है? सेक्शन 146 आईपीसी. नेक्स्ट 29, पुलिस ऑफिसर डिस्ट्रॉयड द एफआईआर एज ही कुड नॉट कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन ड्यू टू अदर ऑक्यूपेशन, बट लेटर अपॉन द मीडिया रिपोर्ट मेड अ फ्रेश रिपोर्ट बेसिंग अपॉन टोटली डिफरेंट फैक्ट. व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड बाय हिम? यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस, सेक्शन 204 आईपीसी. 2 इज द आंसर. नेक्स्ट 30 असर्शन है, सिंगल ब्लो विद डेंजरस वेपन ऑन अ वाइटल पार्ट ऑफ द बॉडी मेक्स द ऑफेंस एज मर्डर. बिल्कुल ठीक है ये. इट इज इमेटीरियल दैट द इंजरी वॉज डन विदाउट स्पेसिफिक इंटेंशन. ये भी ठीक है. ये चीज़ देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में बोली है. तो पहला रेफरेंस हम देखते हैं इसका, तो काफ़ी पुराना था. इसमें एक केस है महेश वाल्मीकि वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, 2000 की जजमेंट है ये. फिर है अरुण राज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2010 की जजमेंट है. और भी बहुत सारे जजमेंट्स, अभी रिसेंट जजमेंट आई है, सब में इनका रेफरेंस आपको मिल जाएगा. यहाँ पर भी आप मर्डर देखेंगे, सिंगल ब्लो डेंजरस वेपन, तो आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा. इसका आंसर क्या रहेगा? 1. नेक्स्ट 31,
He dishonestly abstracts electricity running in electric wire connected to his house. The offense of committing theft of property is punishable under which of the following provisions of IPC? देखिए ये है इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट, तो इसका आंसर क्या रहना चाहिए? इन सच केसेस यूज ऑफ पीनल प्रोविजन अंडर आईपीसी फॉर थेफ्ट इज बैंड एज देयर इज अ स्पेशल लॉ फॉर द पर्पस. वो कौन सा एक्ट है? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में जो है थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड की गई है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? 2. नेक्स्ट 32. द सुप्रीम कोर्ट व्हाइल रीट्रेटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरजनरेशनल इक्विटी ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंट जनरेशन हैज नो राइट टू डिप्लीट ऑल द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एंड लीव नथिंग फॉर द नेक्स्ट एंड फ्यूचर जनरेशंस. तो कौन सा केस था ये? स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेज गणेश वुड प्रोडक्ट्स. 3 इज द आंसर. नेक्स्ट 33 है. तो देखिए मैच करना है. बैनिंग प्लास्टिक कैरी बैग बिलो 40. देखिए यहाँ पर MW लिखा हुआ है, शुड बी इन माइक्रोन्स. ठीक है, तो 40 माइक्रोन्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट एनिमल एंड वाइल्ड लाइफ. तो कौन सा केस था? रिसर्च फाउंडेशन ऑफ साइंस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन इंडस्ट्री और द यूनिट विच इज लाइकली टू कॉज पोल्यूशन. तो कौन सा केस है? वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. कंपनसेट फॉर रिजर्विंग द इकोलॉजी एंड कंपनसेट फॉर द इंडिविजुअल फॉर लॉस सफर्ड एस जगन्नाथ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. फिर डिसलोकेशन ऑफ पुअर फॉरेस्ट डेवलपर्स विल इन्फ्रिंज द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड. तो यह है बनवासी सेवा आश्रम स्टेट ऑफ UP. इसका आंसर क्या रहेगा? 2143 इज द आंसर. नेक्स्ट 34. विच वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस इज रिगार्डेड एज वाटर शेड इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट दैट एनेबल्स द इंटरनेशनल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन टू वर्क विदाउट बींग बॉदर्ड बाई द प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सोवरेनिटी. तो यह है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस. 1 इज द आंसर. और कब आई थी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस? 1972. बाली कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज 2002. कोपनहेगन 2009. रियो कॉन्फ्रेंस 1992. अर्थ समिट जो बोलते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस. ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहे हैं आजकल, ध्यान रखिए थोड़ा. 35. द रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच ऑब्लीगेट्स द म्युनिसिपल बॉडीज टू एंश्योर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट. 4 इज द आंसर. फिर 36. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. बताना है अब यहाँ पर. तो एनवायरमेंटल मेजर्स बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टैच्यूटरी अथॉरिटीज मस्ट एंटीसिपेट प्रिवेंट एंड अटैक द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. यस, वेयर थेफ्ट आर अ सीरियस एंड इररिवर्सिबल नेचर लैक ऑफ साइंटिफिक सर्टेनिटी शुड नॉट बी यूज्ड एज रीजन फॉर पोस्टपोनिंग मेजर्स टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ये भी ठीक है. There is need not be a bona fide reason to believe that activity is not environmentally benign. तो यहाँ पर need not नहीं आना चाहिए. There is need to be a bona fide reason. तो ये हो गया wrong. तो wrong क्या है? 4, 3 is the answer. देखिए onus of proof is on actor or developer to show that his action is environmentally benign. ये correct है. 3 इसका answer रहेगा. Next 37 assertion है. Customary international law is not contrary to municipal laws shall be deemed to have been incorporated in domestic law and shall be followed by the court. The statement कहाँ से ली गई? ये statement ली गई है Vellore Citizen Welfare Forum versus Union of India. देखिए अभी हमने discuss भी किया था ये case. 33rd question में हमने discuss भी किया था इसको. तो वहाँ से statement ली हुई है ये. फिर रीजन इसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज बैलेंसिंग कंसर्ट बिटवीन इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ. ये भी करेक्ट है. तो इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई है. तो आंसर क्या रहेगा? 2. देखिए ना चेंज करते रहते हैं ऊपर नीचे करके, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा आप. नेक्स्ट 38. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट. अब बताना इनकरेक्ट. ग्रीन ट्रिब्यूनल वेस्टेड विद बोथ ओरिजिनल एप्लेट ज्यूरिडिक्शन रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल मैटर्स हैज अ पावर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट. यस, नॉट बाउंड बाय द रूल ऑफ एविडेंस. ये भी ठीक है. बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय CPC. नो, पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर. यस, तो आंसर क्या रहेगा इसका? 3, बिकॉज इनकरेक्ट यही है. और ये सेक्शन कौन सा है? यह है सेक्शन 19 ऑफ NGT एक्ट. ओके, नेक्स्ट 39 assertion है. द ग्रेटेस्ट शॉर्ट कमिंग ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज दैट इट लैक्स एन इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी टू एनफोर्स इट रूल्स. यस, ड्यू टू लैक ऑफ इफेक्टिव सैंक्शन द रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ आर फ्रीक्वेंटली वायलेटेड. ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है इसका एक्सप्लेनेशन. 1 इज द आंसर. नेक्स्ट 40. अब बताना इसमें कौन सा करेक्ट है. तो आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मेंशंस ओनली 4 सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ. ये बिल्कुल ठीक है. तो राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी केस पुर्तगाल वर्सेज इंडिया का आया था 1962 में. ठीक है, इज अ केस डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट. नो, ये नहीं था सिविलाइज्ड स्टेट वाला. कौन सा रूल था तेरा? बताओ, मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ इसको.
जरा कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, बताइए हमें, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, एग्जाम बस आ ही गया है। फिर इसका सी है, डिसीजन और डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन डज नॉट फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 38 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट बट हैज बिकम ए वेल रिकॉग्नाइज्ड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब चोर्जो फैक्ट्री इंडेमनिटी केस, परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, सबरोगेशन यूज नहीं किया गया था, तो कौन सा प्रिंसिपल यूज किया गया था आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं बता दूं, चलिए बता देता हूँ, यहाँ किया गया था रेस जुडिकाटा, रूल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा वाज अप्लाइड इन चोर्जो फैक्ट्री केस, कौन सा था ये, जर्मनी वर्सेज पोलैंड, चलो आप इसका ईयर लिख दो कौन से ईयर में आया था, कई बार डिस्कस कर चुका हूँ ये, तो दो गलत हो गए, आंसर रहेगा 3 ANCR करेक्ट। नेक्स्ट 41, इन विच द फॉलोइंग केसेस जस्टिस रसल ऑब्जर्व द क्वेश्चन ऑफ व्हाट स्टेट अ पर्सन बिलोंग टू मस्ट अल्टीमेटली बी डिसाइडेड बाय द म्युनिसिपल लॉ ऑफ द स्टेट टू विच ही क्लेम्स टू बिलोंग और टू विच इट इज अलीज्ड दैट ही बिलोंग्स, तो ये था स्टोइक वर्सेज पब्लिक ट्रस्टी, 3 इज द आंसर, किस पर था ये, स्टेटलेसनेस पर था केस ये, ठीक है ना, 1921 का केस है। नोटबॉम केस 1955, फ्रेडरिक नोटबॉम लीशेंटीन वर्सेस ग्वाटेमाला, ओके। नेक्स्ट 42, यूरोपियन कन्वेंशन ऑन एक्सट्रेडिशन एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 18th April 1957, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 43, ऑन 28 March 1945 ए कन्वेंशन ऑन टाइटल असाइलम वाज अडॉप्टेड एट पेरिस, पेरिस कन्वेंशन है असाइलम वाली, 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 44, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ यूएन, यस इट इज करेक्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वर्क्स एज अ सबॉर्डिनेट ऑर्गन ऑफ द जनरल असेंबली, ये भी करेक्ट है, जनरल असेंबली इज अ वर्ल्ड लेजिस्लेटिव बॉडी एंड कैन लेजिस्लेट इन रिगार्ड मोस्ट पॉलिटिकल मैटर्स, नो ये वर्ल्ड लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है। फिर डिसीजन ऑन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर मेड बाय कंसेंसस ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जनरल असेंबली, तो ये भी गलत है, तो आंसर क्या रहेगा इसका, 3 ANBR आर करेक्ट। नेक्स्ट 45, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस हैज नॉट बीन डिसाइडेड बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो कौन सा केस डिसाइड नहीं किया गया था, तो वो था लीगैलिटी ऑफ थ्रेट और यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, 4 इसका आंसर रहेगा। देखिए अभी हमने नोट बम केस भी डिस्कस किया है, लेशन 3 वर्सेस ग्वाटेमाला, है ना। नेक्स्ट 46, ग्राउंड ऑफ वॉइडेबल मैरिज अंडर सेक्शन 12 आर नॉन कंज्यूमेशन ड्यू टू इम्पोर्टेंस, यस ये ठीक है, प्री मैरिज प्रेगनेंसी बाय अ पर्सन अदर देन द पिटिशनर, यस, कंसेंट ऑब्टेन बाय फोर्स एंड फ्रॉड, यस, कन्वर्जन टू नॉन हिंदू रिलीजन, नो ये नहीं है 12 में, तो आंसर क्या रहेगा इसका, ABCR करेक्ट बट डी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है 47, मैच करना है, दास्ताने वर्सेज दास्ताने किस पर था ये, क्रूअल्टी पर, मेंटल क्रूअल्टी बोल सकते हैं। फिर इकबाल बानो वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, ये केस किस पर था, मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम पर, लिली थॉमस बायगैमी पर, एंड हरमिंदर कौर वर्सेज हरमिंदर सिंह, ये हरमिंदर है ये भी, इसका रहेगा इंस्टीट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पर है, ये RCR पर, तो इसका आंसर क्या बन गया, 4, देखिए 4 ए का 4 एक में ही है, 4 3 1 2 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 48, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज नॉट एप्लीकेबल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, वीरा शिवाज लिंगायत्स पर है, यस, शेड्यूल ट्राइब अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, इन पर नहीं है, बुद्धिस्ट पर है, हिंदूज पर है, तो इन पर आते हैं, तो इन पर अप्लाई होता है, 2 इसका आंसर रहेगा। फिर 49, ए हिंदू कैन अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड द अडॉप्टर हैज नो लेजिटिमेट और अडॉप्टेड हिंदू सन 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 और सन सन सन, 3 इसका आंसर रहेगा। सेक्शन कौन सा है ये, बड़ा इजी सेक्शन है, तो जो कंडीशंस लिखी हुई है वो कौन सेक्शन में है, सेक्शन 11 ऑफ हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में, ठीक है। नेक्स्ट 50, सेक्शन 2 ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 मेक्स अवेलेबल द फॉलोइंग ग्राउंड्स टू अ वाइफ, 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यस, कंटिन्यूड इंपॉर्टेंस ऑफ हस्बैंड, यस ये भी ठीक है, इंसैनिटी ऑफ हस्बैंड फॉर द लास्ट 1 ईयर, नो, 4 ईयर एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, यस, तो आंसर क्या रहेगा, 1 2 4, 3 इज इनकरेक्ट, 1 इज द आंसर। नेक्स्ट 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड रिजोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो नॉन एग्जम्पशन कोहबिटेशन एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, ये है ग्राउंड, प्री एक्ट बायगैमी बाय हस्बैंड, ये भी ग्राउंड है, रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ये भी ग्राउंड है, प्री मैरिज प्रेगनेंसी ऑफ वाइफ, नो ये नहीं है, क्यों, इसका रीजन क्या है, देखिए अभी हमने डिस्कस किया था अवॉइडेबल मैरिज सेक्शन 12, तो आप इससे
मैरिज को वॉइड करवा सकते हैं, द मैरिज वुड बी वॉइडेबल। ठीक है, तो सेक्शन 12 का ग्राउंड है, 13 का नहीं है। जो ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कहाँ लिखे हुए हैं? सेक्शन 13 में। नेक्स्ट 52, फेलिंग द मदर द फॉलोइंग फीमेल रिलेटिव आर एंटाइटल्ड टू कस्टडी ऑफ ए मुस्लिम चाइल्ड। तो पहले किसको मिलेगी? मदर्स मदर हाउ सो एवर, ठीक है, फिर फादर्स मदर को जाएगा, उसके बाद फिर फुल सिस्टर को जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन गया, पहले आएगा 213, 213, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 53, इफ एनी पर्सन अगेंस्ट हुम एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 33 ऑफ मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डाइवोर्स एक्ट फेल्स विदाउट सफिशिएंट कॉज टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, द मैजिस्ट्रेट मे सेंटेंस सच पर्सन टू इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 1 year और अंटिल पेमेंट इफ सूनर मेड। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 54, द यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल वॉज अडॉप्टेड बाई जनरल असेंबली ऑन 13 September 2007। 3 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 55, अब देखिए ये जो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है एक्चुअली इनका, तो मैग्ना कार्टा सबसे पहले आया था, तो सबसे पहले मैग्ना कार्टा का 1215, ये ध्यान रखिएगा आप, सबसे पुराना क्या है? मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो डी का 2 देख लीजिए किस में है, डी का 2 देखिए 2 में है, तो ये दोनों तो रूल आउट हो गए, ठीक है ना। फिर इसका यूएन चार्टर कब आया था? 1945 में ऑब्वियसली। तो बी का हो गया 4, अब देखिए बी का 4 एक में, यहाँ पर इन दोनों में से एक में ही है, तो आंसर क्या बन गया? 1। मान लीजिए आपको ये भी नहीं भी आता, भी आप कर सकते हैं। तो वर्जीनिया वाला ये आया था बिल 1776 में, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बना 1789 में। ये नहीं पता, 2 पता है तो आप 2 से भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट 56, आर्टिकल 27 ऑफ इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966 रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटी राइट्स। 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 57, द कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज वाज अडॉप्टेड बाय द यूएन ऑन 28 July 1951। 3 इज द आंसर। नेक्स्ट 58, अब मैच करना है, चेयरपर्सन कौन कौन थे? फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ NHRC तो कौन थे? रंगनाथ मिश्रा, ये पता होना चाहिए आपको। अगर आपको मान लीजिए ए का 3 देखिए एक में ही है, आंसर आ गया यहाँ से, ठीक है ना। उसके बाद आप कर सकते हैं फिर जो ए साइन 4 थे, वेंकट चलिया कौन से थे? सेकंड, जेएस वर्मा थर्ड। नेक्स्ट 59, व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय पुलिस दे कैन नॉट कीप द अरेस्टेड पर्सन इन देयर कस्टडी फॉर मोर देन 24 आवर्स। ठीक है, 2 इसका आंसर रहेगा। और ये कहाँ मेंशन किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया है ये आर्टिकल 22 का 2, ठीक है। और CRPC में भी प्रोविजंस हैं कि 24 आवर्स तक आप उसको डिटेन नहीं कर सकते, मजिस्ट्रेट के पास उसको लेके जाना पड़ेगा। सेक्शन कौन कौन से हैं? 57 देख लीजिए, 76 देख लीजिए एंड 151 देख लीजिए CRPC के सेक्शन, ठीक है ना। बार बार इसको बोला गया, बताया गया है। नेक्स्ट 60, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें बताना है करेक्ट। तो कौन कौन से करेक्ट हैं इसमें? मोस्ट ऑफ द राइट्स ऑफ UDHR इज इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यस। मोस्ट ऑफ राइट्स जो हैं फिर से वो पार्ट 4 में भी हैं और 3 में भी हैं, है ना, और पार्ट 5 में नहीं है, और फ्यू जो है पार्ट 13 वो जो है ट्रेड के लिए है, ट्रेड कॉमर्स के लिए तो वहाँ तो है ही नहीं। तो दोनों ही हो गए गलत, ए एंड बी आर करेक्ट। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट है 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टोर्ट, टोर्ट सिविल रॉन्ग है, इज अदर देन द मेयर ब्रीच ऑफ, ए ब्रीच है, कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। इट इज सिमिलर टू क्रिमिनल रॉन्ग, नो इट इज नॉट, तो ये हो गया नॉट एसेंशियल। 3 इसका आंसर बन गया, सिंपल सी बात है। तो नेक्स्ट 62, टू पैसेंजर बसेस क्रॉस्ड एंड ब्रश्ड ईच अदर इन अ वे दैट द लेफ्ट हैंड ऑफ टू पैसेंजर्स इन वन ऑफ द बसेस वर कट ऑफ बिलो द शोल्डर जॉइंट, ड्राइवर ऑफ बोथ बसेस वाज हेल्ड लायबल टुवर्ड्स द विक्टिम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिट नेगलिजेंस। 2 इज द आंसर। नेक्स्ट 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, यह कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रक्चर ऑन हाईवे, हाईवे है और आपने वहां पर फार्म हाउस बना दिया, घर बना दिया, दैट इज अ न्यूसेंस। ऑब्स्ट्रक्शन लाइट एंड एयर बाय नेबर इन अ प्राइवेट लोकेलिटी, नो। एक्सटेंशन ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री टू अदर्स प्रॉपर्टी, तो ब्रांच कट गई हुई है तो उसको आप काट सकते हैं, पब्लिक न्यूसेंस नहीं हुआ ना, प्राइवेट न्यूसेंस हो गया वो तो। फिर रनिंग ऑफ लाउड म्यूजिक इन अ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, नो। अब है 64, अजर्शन एट द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी आर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नो फॉल्ट लायबिलिटी, ये ठीक है। फिर डिफेंडेंट कैन बी हेल्ड लायबल इवन इफ ही मे नॉट बी नेग्लिजेंट
and taken due care and harm caused is unintentional. ये भी ठीक है, तो इसकी explanation हो गई है, तो answer क्या रहेगा, one. अब ये tort के cases हैं, तो mayor of Brantford versus Pickles केस किस पर था ये, if there is no damage to the legal right, action does not lie even for malicious act. फिर Donovan versus Stevenson, ये तो consumer वाला है ना, consumer can bring action against manufacturer, जिंजर बियर वाला केस है ये क्लॉज मिशेल ब्राड वर्सेस ईस्ट इंडिया होटल लिमिटेड, ये तो होटल वाला, तो होटल देखिए, होटल होटल मैच कर दो, अगर मान लो आपको नहीं भी आता तो सी को टू से मैच करके देख लो, सी का टू देखिए दो तीन में है, और ये डोनोवन स्टीवेंसन आपको पता है तो बी का वन इसमें आ गया, तो आंसर क्या आ गया देख लीजिए, फोर इसका आंसर बन गया, तो दो तो पता होने चाहिए. फिर ड्यूलिन वर्सेज वाइट सन कौन सा आ गया, फिर नर्वस शॉक फॉर द फियर ऑफ इंजरी टू द प्लेंटिफ हरसेल्फ वाज रिकॉग्नाइज्ड, फोर इसका आंसर है. नेक्स्ट 66, इन विच द फॉलोइंग नेशनल कमीशन हैज नो ज्यूरिडिक्शन अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. देखिए ये क्वेश्चन जो है आज के टाइम में रिडंडेंट हो गया है, बिकॉज अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आ चुका है और ज्यूरिडिक्शन जो है वो चेंज हो चुके हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बता देता हूँ आपको, सेक्शन है 34, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कितने अमाउंट तक के ले सकते हैं पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन, अप टू 1 करोड़, ठीक है. फिर सेक्शन 47 कहता है स्टेट कमीशन का जो है ज्यूरिडिक्शन अप टू 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, ठीक है. और 58 में है नेशनल कमीशन का मोर देन 1 करोड़ जो भी होंगे पेक्यूनरी अमाउंट वो नेशनल कमीशन के पास जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, पहले 1 करोड़ से ऊपर के जाते थे नेशनल कमीशन के पास, लेकिन अब नहीं है ऐसा, अब 10 करोड़ का अमाउंट होना चाहिए. फिर 67, Which of the following is not legitimate need which the United Nations guidelines for consumer protection intends to meet? Protection promotion of political interest of consumer? No. Political interest क्यों देखेंगे भाई? Consumer education, availability of effective consumer redress? Yes. Prohibition of formation of consumer organization? No. आप prohibit नहीं कर सकते, तो आंसर क्या रहेगा इसका? B and C are correct and A and D are incorrect. तो incorrect पूछा हुआ यहाँ पे, देखिए not legitimate पूछा है ना, तो not मतलब 2 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 68, मैच करना प्रिंसिपल्स को जजमेंट से, इलीगल कंडीशन ऑफ डिपॉजिटिंग अ चेक. अब ये NI एक्ट के डिसीजंस हैं, ध्यान रखिए थोड़ा सा. तो ये था प्रदीप लोनारकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है. फाइलिंग ऑफ अ कंप्लेंट फॉर डिसऑनर ऑफ चेक अगेंस्ट अ कंपनी, एस रामास्वामी MD वर्सेज टी अयप्पा. फिर नेग्लिजेंस इन कलेक्शन ऑफ अ फोर्ज्ड डिमांड ड्राफ्ट, UBI वर्सेज बैंक ऑफ बड़ौदा. Liability of collecting check, obviously CBI versus Central Bank of India versus Gopinath Nair. तो अब क्या बन गया इसका, 4312, तो 3 इसका आंसर रहेगा. नेक्स्ट 69, अब बताना इसमें करेक्ट, ए प्रोमिसरी नोट और बिल एक्सचेंज इन विच टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड इज अ पेबल ऑन डिमांड. नो, इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट, तो वो होता है. और ये सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है नहीं 19 में लिखा हुआ है ये, ठीक है. इफ द एंडोर्सर साइंस हिज नेम ओनली द एंडोर्समेंट इज सेट टू बी ब्लैंक नॉट फुल, ठीक है. तो ये सेक्शन कौन सा है, 16. फिर अ वेरियन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रक्टेड आइदर एज अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, द होल्डर मे एट हिज इलेक्शन ट्रीट इट इज आइदर एंड द इंस्ट्रूमेंट शैल बी देंस फॉरवर्ड ट्रीटेड अकॉर्डिंगली. ये बिल्कुल करेक्ट है, सेक्शन कौन सा है ये, 17. 17 किसके बारे में बात करता है, एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है ना. फिर 4, इफ द अमाउंट अंडरटेकन और ऑर्डर टू बी पेड इज स्टेटेड डिफरेंटली इन फिगर एंड वर्ड, द अमाउंट स्टेटेड इन फिगर्स नो इन वर्ड्स शैल बी द अमाउंट अंडरटेकन, ठीक है. तो ये भी हो गया गलत, तो ये कहाँ प्रोवाइड किया गया, ये है सेक्शन 18. तो 16, 17, 18 सेक्शन पूछ लिए हैं NI एक्ट के, ठीक है ना. तो आंसर रहेगा इसका 3, करेक्ट पूछा हुआ है. नेक्स्ट 70, अब मैच करना है कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस हैं ये, फटाफट से देख लीजिए, आजकल तो ट्रेंड में नहीं है पूछना, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं. तो अपॉइंटमेंट एडिशनल डायरेक्टर सेक्शन 260 है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर 284 है, स्पेशल स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन फॉर डायरेक्टर्स अगेंस्ट लाइबिलिटी 633 है, एक्सक्लूजन ऑफ लाइबिलिटी नॉट अलाउड डायरेक्टर्स 201 है. तो 2 इसका आंसर रहेगा, 3142. नेक्स्ट 71, अदर्शन है, द क्रेडिटर ऑफ ए लिमिटेड कंपनी आर पर्टिकुलरली हैप्पी ड्यू टू डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इट वुड बी हैप्पियर स्टिल इफ द कंपनी कुड एस्केप लायबिलिटी बाय डिनाइंग द अथॉरिटी ऑफ द ऑफिशियल टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ. नो, दे आर पर्टिकुलरली नॉट हैप्पी, है ना, बिकॉज LCB गोवर हैज डन सो, इन्होंने लिखा तो है बट नॉट हैप्पी है वो,
तो आंसर क्या रहेगा, वो था रॉन्ग हो गया ना इसका, इससे तो फिर ये भी गलत हो गया ना। नेक्स्ट 72 मैच करना है, बायर परचेजिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन। अब सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ गया यहाँ पर, इसका बन गया लीफ वर्सेस इंटरनेशनल गैलरीज, पैकिंग एज डिस्क्रिप्शन एक्रोस वर्सेस रनसन, रिलायंस ऑन डिस्क्रिप्शन टू बी इन कंटेम्पलेशन ऑफ पार्टीज मूरे वर्सेस को, कॉरस्पॉन्डेंस विद डिस्क्रिप्शन वार्ले वर्सेस विप। तो क्या बन गया इसका, देखिए ए का फोर एक में ही है, 4-1-3-2 फोर इज द आंसर। नेक्स्ट 73 अजर्शन है, द एसेंस ऑफ सेल इज ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन प्रॉपर्टी, नो प्रॉपर्टी इन गुड्स, ये वहां पर उल्टा लिख दिया है फ्रॉम सेलर टू बायर, तो ये हो गया गलत। और फिर सेक्शन 4 में तो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी का उल्टा, तो ये भी रॉन्ग हो गया, बोथ आर रॉन्ग, 2 इज द आंसर। अब पार्टनरशिप एक्ट के आ गए, 74 पूछता है करेक्ट, ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन सू, नो, अनरजिस्टर्ड फर्म कैन एनफोर्स क्लेम्स अगेंस्ट थर्ड पार्टी, नो, चैप्टर नेम्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स इज एप्लीकेबल टू हिंदू ट्रेडिंग फैमिलीज, नो, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म इज डिजाइन प्राइमरी टू प्रोटेक्ट थर्ड पार्टी एंड एब्सेंस ऑफ रजिस्ट्रेशन नीड नॉट प्रिवेंट डिसअपीयरेंस ऑफ अनरजिस्टर्ड एंड इम्परफेक्टली रजिस्टर्ड फर्म्स, ये करेक्ट है, तो डी इसका आंसर रहेगा, ओनली डी इज करेक्ट, 4 इज द आंसर। सेक्शन कौन सा है रजिस्ट्रेशन के लिए, सेक्शन 69 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट 75, हु कैन बी पार्टनर इन अ फर्म, ट्रस्टी हो सकता है, यस, अनदर फर्म नो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नो, वक्फ नो, आंसर क्या रहेगा, ओनली ए, 3 इज द आंसर। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने UGC NET अगस्त सितंबर 2016 का पेपर 3 जो है पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इसमें कोई कमी लगी, कुछ सजेशंस हो, कोई एडवाइस हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर भी लिख सकते हैं। एंड इन बिटवीन अगर क्वेश्चंस में आपको कुछ ऐसा दिखा हो, एंड जैसे कि हमने क्वेश्चंस में बीच में बोला भी है कि भाई अगर आपको कुछ पता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए, वी ऑलवेज अप्रिशिएट योर कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, and while subscribing don't forget to press the bell icon so that you can get the notification of our upcoming videos. So friends, milte hain aapse next video mein, thanks very much for watching this video, thank you.